अब और नहीं छोड़ा जाता। और आओ बड़े साहब, आपके पास और कुछ ही दिनों की बात है। छोटे मालिक, अंदर आ सकता हूँ? कमल दीवान जी, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? वही, अब उम्र हो गई है साहब, सीढ़ी चढ़ी नहीं जाती। बताइए क्या हुक्म है? व्हाई डोंट यू क्विट देन? कभी कभी कोई कमी तो ना रही सरकार? डू यू नो व्हाट इज अ बेल लिंबू दीवान जी? जी हाँ, वो जो अंग उससे बड़ा होता है, बड़ा बेस्वार होता है मालिक, ना खट्टा ना मीठा। हाँ, वो वैद्य हकीम लोगों के दवा वगैरह बनाने में काम आ जाता है, और बच्चों से फुटबॉल खेल लेते हैं। आई नीड वन। बेल नींबू? इस मौसम में बेल नींबू कहाँ होता है सरकार? आई डोंट नो। गेट इट फ्रॉम वेयर एवर यू वॉन्ट। व्हाई आर यू गाइस इवन हियर? लेकिन मालिक, नो एक्सक्यूज प्लीज। यू गाइस सिट इन ऑफिस ऑल डे विदाउट एनी वर्क, सो डू व्हाट एवर यू वॉन्ट, बट आई नीड वन बाय टुडे सनसेट, और एल्स यू आर किक्ड आउट ऑफ योर जॉब। जी मालिक, नादिरशाही फरमान जारी हो गया। शाम तक एक बेल नींबू चाहिए थे तुरंत। लेकिन देवान जी, वो तो बरसातों का फल है, अभी अप्रैल में। नो एक्सक्यूज प्लीज, यू पीपल हैव नो वर्क, सिंपली सिटिंग ऑल डे इन ऑफिस। आई डोंट नो हाउ यू प्लान, बट टुडे आई नीड बिल अंटिल सनसेट, अदरवाइज आई विल किक यू फ्रॉम द जॉब। ऐसा कहा क्या छोटे साहेब ने? अब जाओ चित्रंजन। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नीलकंठ, एक बेल नींबू चाहिए। बेल नींबू? उहु कहने से काम नहीं चलेगा नीलकंठ। अगर सूरज ढलने तक नहीं मिला तो आई विल किक यू आउट फ्रॉम योर जॉब। ऐसा कहा क्या छोटे साहब ने? लेकिन इस मौसम में बेल नींबू कहाँ होता है चितरंजन बाबू? कोई बीमार है क्या? देख लो, छोटे साहिब का हुक्म है, और कुछ लोग बेमौसम भी तो फल रखते हैं ना। चलिए देखता हूँ। बेल नींबू भी कोई घर में लगाता है क्या? शाम तक हर हाल में बेल नींबू चाहिए नीलकंठ, वरना अंग्रेजी में छोटे साहेब बोले हैं किक आउट। अपने गांव में तो बेल नींबू होता नहीं है, एक हेमा है, उसको आसपास के गांव का भी पता है, वही आखिरी उम्मीद है। ठीक है, हम चलत है, तुम इंतजाम करो। हेमा, ओ हेमा, हेमा, ओ हेमा, क्या बात है हेमा, बीमार लग रही हो, बुखार हो गया है क्या? क्या बुखार, गरीबी में रोग ही रोग है, कुछ पचता ही नहीं है, इधर खाती हूँ उधर निकल जाता है।
बिटिया कहाँ है गुलाबो? वो तो काम पर गई है, अब दोनों तो घर बैठ नहीं सकते ना, दाना पानी चक्कर कौन लाएगा? एक बहुत ही जरूरी काम है तुमसे, तुम ही कर सकती हो। एक बेल नींबू चाहिए। अरे भैया, 10 दिन से वैजी हमें भी तो वही कह रहे हैं, पर इस मौसम में मिलता कहाँ है, और हमारे गांव में भी तो है नहीं, ऐसे किसे जरूरत पड़ गई बेल नींबू की? अरे ले लो हेमा, दवा के काम आएंगे, और थोड़ा ढूंढ लाओ। ज्यादा सोचो मत, 2 रुपया ज्यादा रख लेना। जल्दी से पास के गांव में जाओ और ढूंढो, शाम तक का समय है हम सबके पास। पर कहां से लाऊं मैं? अरे दीवान जी, आज आप सुबह से इतना परेशान काहे दिख रहे हैं, क्या बात है? क्या बोलूं गुलाबो, हमारा काम मुश्किल भरा जाए, इतना सारा हिसाब रखना पड़ता है हमें, सारे पैसों का हिसाब रखना आसान तो नहीं। हमें भी थोड़ा गणित सिखा दीजिए, हम भी मदद कर देंगे आपका हिसाब किताब में, झाड़ू पोछा करके ना थक गए हैं आप। तुम और हिसाब किताब, जाओ जाओ अपना काम करो, हम कुछ सोच विचार कर रहे हैं। सुनिए तो। बोलिए काकी। आपको पता है इस गांव में बेल नींबू कहीं मिलेंगे क्या? बेल नींबू? वो भी इस मौसम में? पगला गई हो क्या काकी? अरे बेटा, अगर कुछ बता दो तो थोड़ी मदद हो जाती। देखो काकी, मुझे पक्का तो पता नहीं, पर शायद ठाकुरायन जी के बगीचे में होगा, हर तरह के पेड़ है वहाँ। ठीक है बेटा, देखती हूँ। माँ, कैसी है रे तू? कितनी पतली हो गई है। खैर, कैसे आना हुआ? वो आपके बाग में बेल नींबू के पेड़ है ना, दरअसल हमें एक बेल नींबू चाहिए। पेड़ तो है माँ, लेकिन एक काम कर, उन्हें कटवा दे, कुछ काम के पेड़ लगवा दे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बाद में मजे करेंगे। ओ जी, बरसात आने दीजिए, पेड़ लगवा देती हूँ। पर मालकिन बेल नींबू? अरे हाँ
हाँ बेल नींबू पूरे 3 थे, लेकिन बेमौसम के थे ना, इसलिए किसी को दे दिए। लेकिन तुम्हें क्या करना है बेल नींबू का? वो जी गांव में कोई बीमार है, उसी के लिए चाहिए। गोपाल का घर यहाँ मंदिर के पीछे ही है, तो जाकर देख ले एक बार, क्या पता उसके पास कुछ बचे हो। और हाँ सुन, थोड़ा रसोई से कुछ खा पी के जाना। जी मालकिन। जी गोपाल जी से मिलना था। जी मैं ही हूँ, बताइए। जी मैं पास ही के गांव से आई हूँ। ठाकुर आयन जी ने बताया कि आपके पास बेल नींबू है। जी हमारे गांव में कोई बीमार है। हाँ 3 लाया था, 1 लग गया है, 2 बचे हैं। है आपके पास? हाँ जी है, 2-2 रुपए लगेंगे। जी जी मुझे चाहिए। एक ही बचा है, एक मेरी पत्नी लक्ष्मी ने काट दिया, पता नहीं, एक ही बचा है। धन्यवाद। लीजिए साहब आपका बेल नींबू। अरे वाह मिल गया। बस एक ही मिला, 4 रुपए का आया। ये तो कमाल कर दिया तुमने, पता नहीं कितनों की जान बची है आज। नींबू वहां रख दो, 2 रुपए तुम रख लो, बाकी के उधर ही रख दो। तुम्हारी तबीयत तो और खराब लग रही है माँ। चित्रंजन बाबू ये लीजिए आपका बेल नींबू, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में मिली है, 10 रुपए ऊपर से लग गए इसे मंगाने में, मेरा तो दम ही फूल गया। अरे ले लेना 30 रुपया। देवान जी ये लीजिए आपका बेल नींबू, 2 रुपए की चीज 20 रुपए में मिली, 10 रुपए ऊपर से लग गए इसे मंगाने में। अरे ले लेना 40 रुपया, जान बची सो नींबू पर। लीजिए छोटे मालिक नींबू क्या, आपके लिए तो सन्नी का दूध भी मंगवा दे, आसपास के सारे गांव छान मारे हमने। गुलाबो देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या लाया हूं। बेल नींबू। मैं अभी आई। अरे तुम्हारे लिए तो कुछ भी लेके आऊंगा, शेरनी की दूध भी। चाचा अम्मा के इलाज के लिए बेल नींबू मिल गया। ब्रिजबा नहीं मिला क्या तुझे? हेमा मर गई, हेमा हम सबको छोड़कर चली गई, हेमा मर गई। ठाकुर आयन बेल नींबू है क्या आपके पास? बेल नींबू है क्या? बेल नींबू कहाँ मिलेगा ठाकुर आयन?